हुए कदम है, वो कदम कितने बेहतरीन है। भारत की कूटनीति कितनी स्थिरता के साथ सेफली आगे बढ़ रही है। थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, एज यू आर। जी एब्सोल्युटली, ये बात आप जो के पूछ रही हैं ये एक्चुअली पहले से अवगत हो चुकी है कि जो भारत की नीति थी वो ह्यूमन सेंट्रिक और सदा से रही है। और जब हमको जब भारत को और जो बाइडेन ने पहले भी जब सजेस्ट किया था व्हेन शिंजो आबे साहब जिंदा थे जापान के, तो ये सजेस्ट किया गया था कि एशिया पैसिफिक की जो जोन है, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है, उसकी लीडरशिप भारत को दी जाए। लीडरशिप का या मिलिट्री लीडरशिप से नहीं है, यानी कि भारत पहल कदम करे और सबको अपनी तरफ साथ में लेके चले, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, भारत, ये सारे मिलके और जो भी कंट्रीज क्वाड प्लस कंट्रीज जो भी साथ में आना चाहें वो, क्योंकि इस एरिया में अब जॉइंट डेवलपमेंट और को प्रॉस्पेरिटी स्पेयर बनेगा। और जो चाइना का आतंक है, जो एक एक जो कंट्रीज हैं, छोटी कंट्रीज जो एशिया पैसिफिक जोन की हैं, जिनके आइलैंड्स को हड़प रहा है, जिनके फिशिंग्स को रोक रहा है, जिनके डैश नाइन लाइन, नाइन लाइन है, डैश टेन लाइन के तहत, चाहे फिलीपींस का हो, चाहे ब्रुनाई का हो, ये उन सबके जगह पे असर कर रहा है। यहां तक कि फिलीपींस के उसे चार बार जहाज डुबो दिए हैं। ये सारी चीज देकर ये बात तय हुई है कि अब हम सब एक मिलके ह्यूमैनिटी को देखेंगे, दर्शाएंगे और ऊपर उठेंगे। भारत का ये रवैया पहले से रहा था और सब इससे अवगत थे, और अब आप देखिए कि ये बात बिल्कुल सामने आ गई है। मैं ये नहीं कहता और कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बीच में भारत और अमेरिका का अंतर रहेंगे और कंट्री से रहेंगे, पर यहाँ पर जब सोच विचार ये है कि हमको सारी ह्यूमैनिटी को लेके ऊपर चलना है, तो ये भारत का सबसे बड़ा कदम रह चुका है। सब इससे अवगत है और सब इसको अप्रिशिएट करते हैं और इसकी तरफ वर्क करने की कोशिश करेंगे। छोटी छोटी प्रॉब्लम रहेंगी बेशक, और ये अगर बात आई तो आप देखेंगे कि चाहे रशिया यूक्रेन के में युद्ध चल रहा हो, उसमें आराम से एक जिसको कहते हैं ना कि ठहराव आएगा और फिर टेम्परेचर नीचे होने लगेगा। इसी स्पिरिट से लेके आप देखेंगे कि बाकी जो कंट्रीज हैं, खासकर रेडिकल इस्लामिक कंट्रीज, वो सतर्क हो जाएंगे। जो कंट्रीज साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द है, लेकिन सर एक एक